मध्य प्रदेश के इंदौर की 20 वर्षीय अस्मी जैन एप्पल के WWDC 23 स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज के 3 विजेताओं में शामिल हुई हैं। एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा अस्मी ने आंखों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए स्विफ्ट कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करके एक ऐप का निर्माण किया। इसमें 30 देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया था। एप्पल का वार्षिक कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस यानी WWDC 2023 5 जून से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले एप्पल ने स्विफ्ट कोडिंग भाषा का इस्तेमाल करके खेल, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन और पर्यावरण से संबंधित ऐप बनाने के लिए दुनिया भर के छात्रों को चुनौती दी थी। विजेताओं की घोषणा के दौरान एप्पल की वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स रिलेशंस के उपाध्यक्ष सुसान प्रेस्कॉट ने कहा कि हम अपनी स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज में प्रवेश करने वाले युवा डेवलपर्स की प्रतिभा से चकित हैं। एप्पल ने अस्मी जैन को तब चुना जब उन्होंने अपनी दोस्त के चाचा की मदद के लिए एक ऐप बनाया। उनकी सहेली के चाचा की मस्तिष्क की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें आँखों में दिक्कत हुई और फिर पैरालिसिस हो गया। उनकी समस्या को ध्यान में रखकर अस्मी ने एक ऐसा ऐप बनाया जो आंखों के मूवमेंट को ट्रैक कर सकता था। इस ऐप का इस्तेमाल आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने में हो सकता था। अस्मी को उम्मीद है कि इस ऐप का उपयोग विभिन्न प्रकार की आंखों की समस्या या फिर चोट लगने पर इलाज के दौरान किया जा सकेगा। अस्मी का अगला लक्ष्य एक ऐसा ऐप तैयार करना है जिसकी मदद से लोग चेहरे के व्यायाम कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।